हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो फ्रेंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हेयर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हमको लाइट पेंसिल का उपयोग करना है, जो कि मैं भी ले रहा हूँ लाइट पेंसिल जो कि HP है। तो गाइस हेयर का डायरेक्शन में गाइस आपको कुछ मार्क लेना है। तो गाइस मैं अभी ये कर रहा हूँ। सो गाइस देखिए अभी मैं हेयर के डायरेक्शन में सिंपल सा स्ट्रोक दे रहा हूँ। गैस देने के बाद अभी गैस में मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करूँगा थोड़ा शार्प हेयर बनाने के लिए, थोड़ा डार्क हेयर बनाने के लिए। तो गैस इसके बाद मैं कॉटन कट का यूज़ करूँगा। तो गैस अभी कॉटन कट का यूज़ करूँगा, जहाँ की थोड़ा बहुत जहाँ पर ब्लेंडिंग करना होगा तो मुझे गैस वहाँ ब्लेंडिंग करूँगा। अब फिर डार्क एरिया के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ डार्क एरिया होगा मैं वहाँ डार्क पेंसिल यूज़ करूँगा। तो गाइस अभी मैंने वहाँ डार्क पेंसिल को मैं ब्रश से ब्लेंड कर दूंगा, जो कि हेयर अपने आप डार्क हो जाएंगे। तो गाइस हेयर अपने आप डार्क हो गए और थोड़ा बहुत मैंने 4B पेंसिल का यूज़ कर लिया और डार्क करने के लिए। तो मैंने पहले हेयर ड्रॉ किया, मैं दूसरी तरफ भी वैसे ही हेयर ड्रॉ करूँगा। तो गाइस मैंने पहले मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया जो लाइट होता है, और गाइस मैंने ब्रश से ब्लेंड कर रहा, मैंने ब्लेंड से कर दिया। अब गाइस 4B पेंसिल का यूज़ करके जो आउटलाइन का है वो थोड़ा डार्क होती है, तो गाइस उससे भी मैंने ब्लेंड कर दिया। जहाँ लाइट जहाँ होते हैं उसको मैंने जगह छोड़ दिया और 4B पेंसिल का यूज़ करके वहाँ पर डार्क कर दे रहा हूँ गाइस। तो गाइस सिंपल प्रोसेस बस यही होता है, बस हमें टाइम लगाना पड़ता है। तो गाइस देख लीजिए मैं वही भी कर रहा हूँ। सो गाइस हम लोग को टाइम लगाना है। अगर टाइम गाइस हम लोग नहीं लगाएंगे तो हमारा पोर्ट्रेट में इलास्टिक हेयर का इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो गाइस हमें ज़रूरी होता है। एंड आई होप यू गाइस आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो गाइस अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।